परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका यह विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। आपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे दिव्य दृष्टि तो प्रदान कर दी, मगर इन आंखों में इतनी सहन शक्ति, इतनी क्षमता भी नहीं है कि आपके इस परम तेजस्वी रूप को और अधिक ग्रहण कर सके। इसलिए हे विश्वनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरी घबराहट और व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रभु मुझे अपना शीतल रूप दिखाइए। मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अपना मन शांत करना चाहता हूं। आप फिर से शंख, पद्म, गदा धारण करके अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हे भक्त, मैंने तुम्हें पहले जता दिया था कि तुम मेरे विराट स्वरूप के तेज को सहन नहीं कर सकोगे, फिर भी केवल तुम्हारा मान रखने के लिए मैंने ये विराट रूप धारण किया और अब तुम्हारी दूसरी प्रार्थना को भी स्वीकार करता हूं और तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं चतुर्भुज रूप धारण करता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे जनार्दन, आपका विराट रूप देखकर मेरा मन भयग्रस्त हो गया था, परंतु आपके इस चतुर्भुज रूप के दर्शनों से मेरा चित शांत और मन स्थिर हो गया है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।